एक मैं ट्वीट दिखाना चाहूंगा, ये आजम खान के बेटे का ट्वीट है। इसका मतलब मैं क्या समझूं, जहां तक मुझसे मतलब है जहान को वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, जमाने पर भरोसा करने वाले भरोसे का जमाना जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा इस बात, असल में क्या है, भरोसा तोड़ा गया है हमारे नेताओं का, जो उनके कहा गया और जो उनके लिए किया गया वो सब जगजाहिर हो रहा है और वो धीरे धीरे पोल खुलती चली जा रही है। आजम खान आपको बाहर निकालने में उनकी रिहाई के लिए जो पार्टी को कोशिशें करनी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं हुई है। हमारी नाराजगी सिर्फ यही है कि आजम खान साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था और आजम खान साहब के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए थी। आजम खान साहब के साथ में जो रवैया बरता जा रहा है पार्टी के द्वारा वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये गुस्सा फूटने लगा है हम लोगों के कार्यकर्ताओं के मन से फूट रहा है। आजम खान उन नेताओं में माने जाते हैं जिनका एक अपना वजूद है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां, गंभीर से गंभीर आरोपों के भीतर भी आजम खान चुनाव जीत कर आए, अपने आप को साबित किया, ना सिर्फ साबित किया बल्कि स्थापित भी किया, अपने वजूद को भी, और मुसलमानों के बीच में यह संदेश भी दिया कि समाजवादी पार्टी आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन आज जिस तरह के बयान उनके प्रतिनिधियों के द्वारा आ रहे हैं, साइकिल से मामला गड़बड़ाने लगा है क्या, विश्वास खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव से? हमारे मुसलमान भाइयों का वो बरगड़ा करके उनका वोट एकजुट करके उनको वोट बैंक बना दिया और भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन बना दिया हमें, और हमारे लिए कुछ नहीं किया आज तक। हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब प्रताड़ना झेल रहे हैं 2 साल से, उनके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। मैंने खुद अखिलेश यादव जी के लोहिया हाल में समाजवादी समर्थक मोर्चा के माध्यम से आवाज उठाई थी और बोला था कि आजम खान साहब के होर्डिंग गायब क्यों है। आजम खान साहब के साथ जो रवैया बरता जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो बिल्कुल हमें नापसंद है। माननीय आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम उसकी मुखातिब करते हैं। आपकी पार्टी के सांसद, 5 बार के सांसद बर्क साहब, आजम खान फाउंडर मेंबर, उनके प्रतिनिधि, मतलब कंठ समझ लीजिए आजम खान का, वही शैली है। अभी आपके सामने बैठकर आजम, वो क्या नाम था, आजमवादी मंच के नेता कहते हैं तोहीन है ये, मुसलमानों की तोहीन है। आजम खान का एक बार सदन में नाम तक नहीं लिया अखिलेश यादव ने, ये क्या संकेत है चौधरी साहब? क्यों कपड़ों से बदबू आती है मुसलमानों के कपड़ों से आपको, क्यों आपके नेता कह रहे हैं चौधरी साहब? कि किस तरीके के लोग किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी ये इल्जाम लगाने वाले लोग गलत कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी थी, अगर नहीं खड़ी होती तो उनको टिकट नहीं दिया जाता। आपने कहा ना कि अगर ऐसा ना होता तो आजम खान को टिकट नहीं दिया जाता, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? व्यक्ति बड़ा नहीं होता, अच्छा? पार्टी बड़ी होती है। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल में हो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, एक दल बड़ा होता है। अब इसी बात को आगे लेकर जा रहा हूं, अब सोचिए जो जी, केस जो मुकदमे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो केस जो मुकदमे आजम खान पर है, जो फाइलें खोलने का जिक्र किया गया, अगर यही मुकदमे, यही फाइलें, यही आरोप मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव पर होते तो संजीव चौधरी क्या यहां पर बैठे होते? नहीं, कहां होते? सड़कों पर, चक्का जाम, विरोध प्रदर्शन। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप सुनिए, अभी तो नब्ज पकड़ी है, रुकिए चौधरी साहब, आप प्रेस रिलीज जारी नहीं करते, प्रेस रिलीज जारी करते क्या? अगर मुलायम सिंह यादव को जेल में डालने की बात आती, अखिलेश यादव को जेल में डाल दिया जाता तो आप प्रेस रिलीज नहीं करते, आप सड़कों पर होते, चक्का जाम कर देते। देखिए आजम खान साहब के लिए भी हमने धरने पर प्रदर्शन किए, कुछ नहीं किया आपने, हमारे राष्ट्रीय आपने कुछ नहीं किया, प्रेस रिलीज निकालने के सिवा, वही है आजम जी ने बयान जारी किया, आजमवादी बयान जारी किया, यही तो कह रहा हूं।
बयान जारी किया। मैं तो देखिए तथ्यों पे बात करता हूं। मुलायम सिंह यादव मिलने गए थे गायत्री प्रजापति से, जेल में गए थे ना, जेल में मिलने के लिए। अखिलेश यादव एक बार जेल में गए, ये मैं नहीं कह रहा, आजमवादी मंच के नेता कह रहे ये अपमान है, तोहीन है, तोहीन है। जब एक पार्टी एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी बात को जारी कर दे या जेल में चले जाए तो सारी पार्टी एक साथ आ गई, फिर किसी का कोई महत्व नहीं रह जाता कि कौन क्या कह रहा।